अगर आपका शोहर या आपका महबूब आपके साथ नाराज है, आपको हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, आप चाहते हैं कि ईद से पहले पहले आपकी सुलह हो जाए, तो एक काम असर के बाद कर लें, मगरिब से पहले आपका महबूब आपके पास होगा, यानी आपकी सुलह हो जाएगी, अनब्लॉक कर देगा। वो काम कौन सा है, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और शेयर जरूर करना है। मैं वजीफा बताने से पहले यह बताता चलूं, मेरी वो बहनें जिन्होंने रमजान की खुसूसी दुआओं में अपना नाम दर्ज करवाया है, यूट्यूब पर कमेंट करके मुझे दुआओं के लिए कहा है। सबसे पहले तहरीम नाज बहन है, इन्होंने रिश्ते के लिए पसंद की शादी के लिए कहा है, मैं इनके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह पाक इनकी मुराद पूरी फरमाए, आमीन। आयशा बहन है, इसी तरह अब्दुल्ला भाई हैं, असद भाई हैं, मैं दुआ करता हूं इन्होंने जिस जिस मुराद के लिए कहा है अल्लाह पाक इनकी मुराद पूरी फरमाए, आमीन। आप सब भी आमीन कह दीजिए, और आप भी ईद से पहले पहले रमजान में रमजान की खुसूसी दुआओं में एक बार अपना नाम दर्ज करवा के देखें, रमजान में ही आपका दामन इंशाल्लाह खुशियों से भर जाएगा। रमजान की खुसूसी दुआओं में नाम दर्ज कराने का बिल्कुल आसान तरीका है, टिकटॉक पर आपने कमेंट नहीं करना, मेरे टिकटॉक के साथ मेरा यूट्यूब चैनल लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना नाम लिखें, अपना मकसद लिखें, इंशाल्लाह आपको जवाब भी दिया जाएगा और आपका नाम रमजान की खुसूसी दुआओं में दर्ज भी कर लिया जाएगा। और इसी तरह जादू बंदिश नजरे बद मालूम करवाने के लिए, इनके हल के लिए, पसंद की शादी के लिए, रिश्ते के लिए, औलाद के लिए, हिसाब लगवाने के लिए, इस्तखारा करवाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, टिकटॉक के साथ यूट्यूब चैनल लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के अबाउट में जाएं, बाकी की मालूमात आपको वहीं मिल जाएगी। अब आते हैं वजीफे की तरफ। देखें मेरी वो बहनें जिनके शोहर या जिनके महबूब उनके साथ नाराज है, हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, वो नमाज असर पढ़े, नमाज असर पढ़ने के बाद सिर्फ 100 बार या वदूदू पढ़कर उनकी पिक्चर पर दम कर दें, इंशाल्लाह मगरिब से पहले आपकी सुलह हो जाएगी, वो आपको अनब्लॉक कर देगा। रमजान के खुसूसी दुआओं में अपना नाम लाजमी दर्ज करवाएं, इस्तखारा करवाने के लिए, पसंद की शादी के लिए, औलाद के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाएं। अल्लाह हाफिज़।